दिल्ली का मौसम बदल रहा है, गर्मियां आ रही हैं, लेकिन वसंत अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। जहां पे राष्ट्रीय राजधानी में फूलों की क्यारियां अभी भी जस की तस हैं, वहीं पे सड़कें खाली हैं। दिल्ली उन राज्यों में से है जहां पे कोरोना वायरस पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और लॉकडाउन के बीच में सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि सड़क पे रहने को मजबूर हैं। क्या काम करते हैं? ऐसे क्या करते हैं? काम कैसे अभी चल रहा है? काम ठीक से? खाने पीने को मिल रहा है? वहां से कुछ ही दूर हमें ऐसे लोग मिले जिन्हें इस लॉकडाउन में पक्षियों की चिंता है। अगर हम इनके लिए नहीं करेंगे तो हम बच नहीं सकते। ये हमारे ऊपर है और हम इनके ऊपर, इसलिए। तो आप इनको दाना डालने के लिए आए? यस मैम। और मैं एक हफ्ते से रोज आ रहा हूँ और ये बेचारे गाड़ी के ऊपर भी बैठ जाते हैं। जहाँ सब कुछ बंद है वहीं सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। दिल्ली का शास्त्री भवन, जहाँ पे कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं, शास्त्री भवन के बाहर की ये सड़क पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे सामान्यतः काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफ्तर भी बंद हैं और इक्के दुक्के कर्मचारी ही यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कनॉट प्लेस अभी तो बंद है, लेकिन साफ़ सफाई का काम होगा जो अभी भी आप लोग कर रहे हैं। आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आना जाना, और क्या है अभी काम यहाँ पे जो चल रहा है? देखो जी, काम तो है ही, चाय वैसे दुकानें बंद है, लेकिन पतझड़ है और लोग जो जैसे लोग खाना वाना ही बढ़ता वो भी डस्टबिन में डिब्बों में डाल रहे हैं। काम तो देखो जी करना ही पड़ेगा, चाहे कोई बीमारी पहले नहीं थी जब भी काम कर रहे थे, आज है तो जब भी काम है। बिना काम के तो देखो जी गुजारा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, हमारे तो देखो जी ड्यूटी बनती है काम, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और बीमारी फैल जाएगी जी। 21 दिन के लॉकडाउन को ख़त्म होने में अभी कुछ वक्त बाकी है और इसके आगे सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पे स्पष्टता नहीं है, लेकिन जहां पर एक तरफ भारत की नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ में लड़ाई जारी है, उस लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है ये लॉकडाउन। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।